गलती अंपायर ने की फिर क्यों मिली दिल्ली के खिलाड़ियों को सजा। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 607वां एपिसोड। आज 24 अप्रैल की तारीख हो गई है और दिन भर की 10 बड़ी क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो कई सारी रिपोर्ट्स आई है, कल डबल हेडर्स था उसको लेकर भी रिपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी रिपोर्ट दिल्ली राजस्थान में जो नो बॉल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ना उसको लेकर निकल कर आ रही है। एम्पायर पर क्या एक्शन होने वाला वो भी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट सबसे पहले देते हैं, लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो विराट का एक बहुत बड़ा आईपीएल रिकॉर्ड टूटने वाला है। ऐसा कहा गया था कि शायद यह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा इतिहास में, बट भैया कहते हैं ना कि जिसकी कल्पना नहीं करते आईपीएल में वही होता है, क्योंकि जॉस बटलर विराट कोहली के साल 2016 में एक ही सीजन में लगाए गए 4 शतकों के रिकॉर्ड को एक ही सीजन में इसी साल तोड़ सकते हैं। आधा ही आईपीएल हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए, जॉस बटलर 3 शतक लगा चुके हैं, तो सिर्फ 2 शतक दूर है जॉस बटलर। देखते हैं क्या ये रिकॉर्ड टूट पाता है नहीं, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भैया नीचे वाली लिंक खोलकर आज जो बंबई लखनऊ का मैच है उसकी अपनी टीम बना लीजिए। मेरी टीम ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलेंगे ना तो सबसे पहले तो 1500 रुपए फ्री में मिल जाएंगे आपको, 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, पहला कॉन्टेस्ट फ्री में खेलने का मौका आपके पास है। जी हां दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में से जैसे ही आप माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप पहला कॉन्टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में खेल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, वीवीएस को हराएंगे, 5 गुना कैश कमाएंगे, हर रोज 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है। तो एक ही चीज दोस्तों मैं बोलूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, खोलिए माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आज का मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर को कंटिन्यू करते हैं, तो ऋषभ पंत ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है क्लियर नो बॉल, थर्ड एम्पायर शुड हैव इंटरफेयर। ये जो नो बॉल थी वो क्लियर नो बॉल थी और थर्ड एम्पायर को इसमें बीच में इंटरफेयर करना था, थर्ड एम्पायर के इंटरफेयर नहीं करने के कारण ही ये परिस्थिति पैदा हुई, ये मानना है ऋषभ पंत का। अब आप इस पर क्या अपनी राय समझते हैं, मैं ऋषभ पंत के साथ हूं, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि इतना तो तय है कि वो नो बॉल तो थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट केविन पीटरसन के हवाले से आ रही है। केविन पीटरसन ने बड़ी बात कह दी है, ये जो नो बॉल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी परसों के दिन उसको लेकर पीटरसन ने कहा है सेंडिंग कोच ऑन द फील्ड एट द मिडल ऑफ द मैच इज रॉन्ग। दरअसल दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कोच प्रवीण आमरे भी फील्ड के बीच में चले गए थे एम्पायर से बहस करने के लिए और ये बीसीसीआई के नियमों के खिलाफ था। इसी को लेकर भैया जो हमारे पीटरसन महोदय हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा गलत था। हाँ गलत हो सकता है क्रिकेटिंग भाषा में, लेकिन क्या एम्पायर जो कर रहे थे वो सही था, इस पर तो आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, तो ये बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट है। बीसीसीआई ने दे दिया है फाइन, एम्पायर को नहीं खिलाड़ियों को, खिलाड़ी और कोचेस को फाइन दिया गया है। अगर हम सबसे पहले प्लेयर्स की बात करें तो बीसीसीआई ने 100% मैच फीस ऋषभ पंत की काट ली है, 50% मैच फीस शार्दुल ठाकुर की काट ली है। इन दोनों पर बीसीसीआई के नियमों का उल्लंघन करने का और एम्पायर के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है और बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी गई है। 100% मैच फीस बहुत बड़ी अमाउंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, 50% भी बहुत होती है, तो प्लेयर्स पर तो तगड़ा एक्शन बीसीसीआई ने लिया है। पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों अगर हम बात करें तो बीसीसीआई ने दिल्ली कैपिटल्स के कोच प्रवीण आमरे की भी एक मैच की पूरी 100% फीस काट ली है और एक मैच का बैन और सस्पेंशन इनके ऊपर लगा दिया है। मतलब दिल्ली के ऊपर तो गाजगिरी है भैया बीसीसीआई की। बीसीसीआई ऐसा लग रहा है कह रहा है कि आपने बहुत गलत कर दिया इस डिसीजन को विरोध करके, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको भी ऐसा लगता है क्या दिल्ली ने गलत किया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एम्पायर गलत था, अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि छठवीं बड़ी खबर भी एम्पायर्स को ही लेकर आ रही है। फील्ड एम्पायर जो थे उनको लेकर बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट ये आई है कि बीसीसीआई ने अभी तक एम्पायर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जो साफ साफ गलत डिसीजन चीटिंग एक तरह से हम ये बोल दें कि हो रही थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स ये भी है कि बीसीसीआई जो एक्शन एम्पायर्स पे लेगा वो मैच रेफरी के थ्रू लेगा, मतलब मैच रेफरी नियम अनुसार जो फाइन सस्पेंशन जो बनता है वो एम्पायर्स पर करेंगे और इमीडिएट एक्शन कोई भी एम्पायर पर नहीं लिया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज बीसीसीआई के हवाले से ये निकल कर आई है कि बीसीसीआई और आईसीसी के नियम साफ कहते हैं कि अगर एम्पायर गलत फैसला भी ले लेता है
तो वो भी इंसान है, वो गलत फैसला ले सकता है और उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा था कि एम्पायर ने जानबूझकर अपने फैसले पर अड़ गया था और एम्पायर बोल रहा था कि नहीं भैया मैं तो नहीं दूंगा। तो लेट्स सी भैया क्या होता है यहाँ पर। मेरे हिसाब से बीसीसीआई भी गलत नहीं है, लेकिन एम्पायर पर एक्शन तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में यह बहुत दफा हो गया है कि लगातार एम्पायर गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की सातवीं बड़ी खबर की। तो भैया आज लखनऊ बंबई का मैच है, जैसा कि मैंने बताया। अगर हम इस मैच की प्रिडिक्शंस की बात करें तो इस मैच को लेकर एक लंबी चौड़ी प्रिडिक्शन की लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम मैच में करंट कॉन्करेंट स्थिति को देखें तो लखनऊ की टीम इस मैच को जीत सकती है। मुंबई से उम्मीदें कम रहेंगी, लेकिन मुंबई एक ना एक मैच तो जीतेगी, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ये दुनिया की क्रिकेट के इतिहास का सबसे बुरा आईपीएल होगा किसी टीम के लिए, तो वो मैच ये लखनऊ वाला भी हो सकता है। तो एक मैच ड्यू बचा हुआ है अभी भी, वो शायद जीत जाए लखनऊ बंबई वाला। अदरवाइज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, सातवीं बड़ी खबर यह है लखनऊ बंबई मैच को लेकर। हमारी प्रिडिक्शन यही कहती है टीम जरूर बना लेना अपनी माय 11 पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, बट प्रिडिक्शंस आर ऑल रोड ये बोल रही है दैट लखनऊ बंबई के मैच में हम ये बोल सकते हैं दैट लखनऊ का पटला भारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट पॉइंट्स टेबल के हवाले से आ रही थी। कल दो मैचेस हुए और दोनों मैचों का रिजल्ट आपके सामने है। इस रिजल्ट के बाद पॉइंट्स टेबल की परिस्थिति आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बदलाव हमें देखने को मिला। प्लेऑफ की रेस ही अब इंटरेस्टिंग हुई। कल के दोनों मैचेस प्लेऑफ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो प्लेऑफ की रेस अब किसकी तरफ मुड़ी है और कौन सी चार टीम आपके हिसाब से लग रहा है प्लेऑफ में पहुंचेगी, कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। अपनी फेवरेट टीम का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, दसवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया आज बंबई के लिए आखिरी मैच होगा, क्योंकि नियम कायदे कानून रूल्स रेगुलेशंस तो यही बोल रहे हैं, इफ मुंबई इंडियंस की जो ये टीम है ये अगर आज का मैच भी हार गई तो आधिकारिक रूप से लिखित रूप से आईपीएल से बाहर हो जाएगी। आप बताइए कौन जीतेगा आज का मैच। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी अपनी टीम जरूर बना लेना, 1500 रुपए फ्री में, पहला कॉन्टेस्ट फ्री में मिलता है आपको। एमसीपी 2022 कोड का इस्तेमाल करना, मैंने नीचे लिंक डाल दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।